हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किचन सिल्पीज एंड ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे आलू के दो प्याज़ा। इसके लिए लेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें तेल, सरसों का तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। ये हमने इसके लिए छोटे साइज का आलू लिया है, लाल वाला, और इसे किसी फोर्क या टूथपिक से हम इसमें छेद कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा चेक कर लेंगे कि अच्छे से गर्म हो गया हो, तभी आलू फ्राई करेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये आलू फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है क्योंकि ये आलू थोड़ा टाइम भी लेता है होने में। इसे आप बराबर चलाते रहिए। एक बार ये सब्जी बना के आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बड़े बच्चे सभी लोग बहुत चाव से खाते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे और इसमें लेंगे 2 चम्मच सरसों वाला तेल और इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज हमने बारीक काट लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। इसे 30 सेकंड के लिए होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ जीरा। हल्दी 1 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल में। लाल मिर्च, इसे भी हमने बीच से तोड़ दिया है, और क्रश किया हुआ लहसुन, इसे भी 30 सेकंड के लिए हम हो जाने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, ये भी क्रश किया हुआ। इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, आप चाहें तो तेज़पत्ता, ये सब भी यूज कर सकते हैं, जितने गरम मसाले होते हैं सभी। और ये फ्राई किया हुआ आलू भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे भी 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा हम पका लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ 1 टीस्पून काली मिर्च, और ये हमने धनिया पहले से ही साफ कर लिया था, 1 घंटे के लिए भिगा के रखी थी, और इसे भी हम डाल देंगे। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं और इसका पानी भी बाद में यूज करेंगे। नमक स्वादानुसार, याद रखिएगा गैस फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो धनिया हमारी चटक जाएगी, हो जाएगी तो फिर धनिया कड़ा हो जाएगा। ये हमारा भुन गया है। इसमें हमने डाल दिया है 1/4 नींबू का रस, आप चाहें तो दही भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। ये अच्छे से हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डाल दिए हैं धनिया वाला पानी, और इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए लिड लगा देंगे कि आलू अच्छे से पक जाए हमारा। सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, आलू पक गए हैं अच्छे से। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।